शादी के बाद ही क्यों ना हो, लेकिन आज भी लोग सेक्स को लेकर खुलकर बात करने में सहज नहीं है, और यहाँ तक वो अपने पार्टनर से भी इस बारे में खुलकर बात नहीं करते हैं। जैसे यदि उन्हें अपनी महिला पार्टनर के साथ फिजिकली इंटीमेस में दिक्कत आती है तो इन बारे में किसी की राय भी नहीं ले पाते हैं। इसका सीधा असर उनकी मैरिड सेक्स लाइफ पर पड़ता है, जिससे दिन प्रतिदिन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दिलचस्पी में कम आने लगती है। ऐसे ज़्यादातर मौके पर महिलाएं अपने अंदर कम होती सेक्स की दिलचस्पी का जिक्र भी नहीं कर पाती है। लेकिन एक पति होने के नाते आपको यहाँ उनके लिए जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम आपको आज कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप महिला पार्टनर की कम हो रही सेक्स की इच्छा को फिर से जगा सकते हैं। वाइफ का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए सेक्स पोजीशन बदलें। यदि आप अपनी वाइफ के साथ डेली सेक्स करते हैं तो हमेशा एक ही पोजीशन अपनाते हैं तो जाहिर है कि वो बहुत जल्दी ही बोर हो जाएगी। इसके बाद जब आप उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहेंगे तो वो आपको यह कहकर इनकार कर देगी कि वो थक गई है या फिर वो अभी फ्री नहीं है। इस तरह का जवाब सुनने से बेहतर है कि आप उसे मनाएं, और यदि उसे डिफरेंट सेक्स पोजीशन नहीं मालूम है तो कुछ एरोटिक वीडियो दिखाएं और पूछे कि उसे कौन सा पोजीशन ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर उस रात आप अपनी वाइफ के मनचाहे पोजीशन में सेक्स करेंगे तो जाहिर है कि उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा और वो शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं करेगी। अलग अलग जगह पर सेक्स करने के वाइफ नहीं करेगी मना। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने बेडरूम में ही अपनी वाइफ के साथ सेक्स करें। बेडरूम ऐसी जगह है जहां आप रोज सोते हैं, थकते हैं तो किसी भी टाइम आराम करते हैं। अगर आपकी वाइफ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही है तो किचन के खाली जगह में गद्दा लगाए और वाइफ से बोले कि आज हम लोग यहाँ सेक्स करेंगे। हो सकता है कि ये सुनकर पहले उसे थोड़ा अजीब जरूर लगे, लेकिन जब आप उसे बताएंगे कि अलग अलग जगह पर सेक्स करने या अपना अलग मजा होता है तो जाहिर है कि वो भी इसका अनुभव लेना चाहेगी और शारीरिक संबंध बनाने से इनकार नहीं करेगी। एक स्टडी में पाया गया है कि सवार के नीचे सेक्स, किचन में या फिर दरवाजे के पीछे खड़े होकर आदि विभिन्न स्थानों पर सेक्स करने से हमेशा वाइफ की दिलचस्पी बनी रहती है। लुब्रिकेंट लगाकर करे सेक्स, वाइफ का बढ़ेगा इंटरेस्ट। वाइफ को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम ना हो तब भी कई बार हम यह नहीं जान पाते हैं कि आखिर वो शारीरिक संबंध बनाने से इनकार क्यों करती है। बेशक इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि उसे वजाइना में पेन होता हो या फिर ऑर्गाज्म का मजा नहीं ले पाती हो। वाइफ को सेक्स के लिए मनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप उसी से कुछ बेहतर लुब्रिकेशन के बारे में पूछें और उसे बाजार से खरीद लाएं। इसके बाद उसे लगाकर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएं। इससे आपको पेनिट्रेट करने में आसानी होगी और पत्नी को दर्द भी नहीं होगा, जिससे वो अगले दिन से सेक्स के लिए इनकार नहीं करेगी। बढ़िया फोर प्ले करें तो वाइफ शारीरिक संबंध बनाने से नहीं करेगी इनकार। आपको ये जानने की जरूरत है कि फोरप्ले करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, बल्कि आप सैकड़ों तरीके से अपनी वाइफ के साथ फोरप्ले कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यह देखा जाता है कि वे लंबे समय से एक ही छत के नीचे एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसके कारण वो अपने सेक्स का बहुत मजेदार नहीं बना पाते हैं। कई बार हस्बैंड को पत्नी के साथ फोरप्ले करने की जरूरत नहीं महसूस होती है और वो सीधे संभोग करना चाहता है। इसे पत्नी भी उब जाती है और अगली बार शारीरिक संबंध बनाने से सीधे मना कर देती है। ऐसी कंडीशन में हस्बैंड के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो फोरप्ले के नए तरीके सीखे और पत्नी पर आजमाए। इससे आपकी सेक्सुअल लाइफ हेल्दी होगी और वाइफ आपको घर आने का इंतजार करेगी। टच और किस करने से वाइफ हो जाएगी टर्न ऑन। वाइफ की बॉडी को कामुक तरीके से छूना या स्पर्श करना टच थेरेपी के अंतर्गत आता है। ऐसा करने से पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत बढ़ता है और एक रोमांटिक माहौल बनता है। अगर वाइफ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर रही है तो उसके साथ जबरदस्ती ना करें, बल्कि उसे प्यार करें, उसे स्मूच करें।
जोर से चूमे सिर्फ होठों पर ही नहीं बल्कि जांघों पर और पैरों सहित पूरे शरीर पर। जब आप अपनी वाइफ को किस करते हुए जी भर कर प्यार करेंगे तो वो अपने आप ही टर्न ऑन हो जाएगी और आपको उसे मनाने के लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अपनी बॉडी क्लीन रखें। शारीरिक संबंध बनाने के दौरान यदि आप सेक्सुअल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी वाइफ आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने से साफ इनकार कर सकती है। इसलिए उसे मनाने का तरीका अपनाने से बेहतर है कि आप साफ सुथरे रहें। अगर दिन भर ऑफिस में काम करके रात को घर आते हैं तो नहा लें ताकि पसीने की दुर्गंध दूर हो जाए। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करने, शराब पीने, पान या गुटखा खाने के आदि है तो मुंह से दुर्गंध आने पर वाइफ आपके साथ सेक्स करने से कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएगी और टाल मटोल करके अंत में मना कर देगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें और पूरी सफाई के साथ बिस्तर पर जाएं। वाइफ की तारीफ करें तो सेक्स में लेगी इंटरेस्ट। अक्सर देखा जाता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। बात सिर्फ उसके गुणों की तारीफ करने की नहीं है बल्कि सेक्स के दौरान जब वो आपका साथ देती है या फिर अपने तरीके से प्यार करती है तो आपको उन चीजों को याद दिलाकर उसकी तारीफ करनी चाहिए। कई बार एक दूसरे के प्यार एवं सेक्स करने के तरीके के बारे में बात करने से ही मूड बन जाता है। अगर पत्नी सेक्स में दिलचस्पी नहीं दिखाती है तो आप उसे बताएं कि सेक्स करते समय जब तुम मेरे कंधे को जोर से पकड़ती हो और मेरे बालों में उंगलियां फंसाती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से जो कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वाइफ को बताएं। अगली बार से वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए आपको मना नहीं करेगी। इस तरह आप विभिन्न प्रकार के तरीके अपनाकर अपनी वाइफ को सेक्स के लिए मना सकते हैं और अपनी सेक्सुअल लाइफ को मजेदार बना सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप लोग मिस ना करें। फिर से मिलेंगे एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।